माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को एलजेब्रा बीजगणित की वीडियो बताने जा रहा हूँ। और मैंने इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एलजेब्रा बीजगणित पे। मैंने उसमें रूल समझाए थे ना, उस पर मैंने अब उसी के बीच ये पार्ट टू बनाया। मैंने वीडियो का पार्ट टू, इसमें मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का मतलब विस्तार से आपको उनके रूल समझाऊंगा विस्तार से। उसमें मैंने उस वीडियो फर्स्ट में मैंने डेफिनेशन और उनकी कुछ ट्रिकियां बताई थी मैंने उसमें। आज मैं इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के विस्तार से आपको समझाऊंगा विस्तार से। और इसमें मैं आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो, कैसे आप क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग जरूर देखिए। पहले नंबर था एडिशन, क्या था एडिशन जोड़ना। तो इसमें अपन क्या लिखे करेंगे, इस नियम से पहले चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बी को उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बी को ए के साथ जोड़ने पर बी को ए के साथ जोड़ने पर उदाहरण देखिए यहाँ पर, ऐसे कि अभी बी को एक साथ ए के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ओके, जो प्लस करेंगे वही आंसर आएगा, ठीक है। अगर ए मान लिया 2 है और बी मान लिया 3 है और 2 + 3 = 5 होती तो 5 ही आएगा, तो ब्रैकेट में दिया गया है। ओके, इसी प्रकार से देखिए सेकंड, ये एडिशन का पहला एग्जांपल था। यहाँ पर अब हम फर्स्ट नंबर डाल दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर। ओके, सेकंड डिग्री, फर्स्ट में क्या था, बी को बी के साथ जोड़ने पर यहां पे लेंगे यहां पर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में। ओके, सेकंड होगा माइनस बी को ए के साथ जोड़ने पर, देखिए ए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा ए प्लस माइनस बी इक्वल टू, अब देखिए ए तो लिखा है तो ए लिख देंगे, प्लस और माइनस माइनस, फिर बी लिखा है बी लिख दिया, जेड आएगा। ओके, कर सकते हो ना। अब देखिए इसी का एडिशन का थर्ड एग्जांपल देखिए, माइनस बी को माइनस ए से माइनस ए के साथ
40, माइनस ए लिख दिया और प्लस माइनस माइनस बी लिख दिया। ओके लिख सकते हो ना। अब आप लोग वो एक चौथे नंबर बन सकता है, देखिए चौथे नंबर हो जाएगा सेकंड को इंटरचेंज हो जाएगा, ऐसे माइनस बी में माइनस था, बी में माइनस, ए में माइनस, ए में प्लस था, अब यहाँ पर ए में माइनस हो जाएगा और बी में प्लस हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं बी को माइनस ए के साथ जुड़ने पर बी को माइनस ए के साथ जोड़ने पर किया जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू किया जाएगा माइनस ए प्लस बी। ओके तो जी हुए हैं एडिशन के। ओके आप अपन लोग सबट्रैक्शन की करेंगे, किसकी करेंगे सबट्रैक्शन की। सेकंड नंबर ले लेते हैं हम, ये हो गया था फर्स्ट नंबर एडिशन, अब सेकंड नंबर ले लेते हैं हम सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, इसमें एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट नंबर लेना है पहले। अब देखिए एडिशन में लिया था बी को ए के साथ जोड़ने पर, अब यहां पर ले लेंगे बी को ए के साथ घटाने पर, तो क्या हो जाएगा देखिए अब b को a के साथ घटाने पर आ गया है, तो अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू किया जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में। ओके दूसरी बात देखिए दूसरा नंबर लिया है यहाँ पर अपन ले लेंगे माइनस बी को ए के साथ घटाने पर, माइनस बी को ए के साथ घटाने पर। ओके हो गया सब्ट्रैक्शन घटाना फर्स्ट, बी को ए के साथ घटाने पर क्या हो जाएगा एग्जांपल ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में, क्योंकि ए मान लो थ्री और बी मान लो टू है, थ्री माइनस टू करेंगे है ना, तो क्या बनाया ना, तो वो जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में लिख दिया इसके। ओके अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लिया अपन ने माइनस बी को ए के साथ घटाने पर, क्या लिया है माइनस बी को ए के साथ घटाने पर, तो यहां देखिए जे क्या है माइनस बी क्या है, अब देखिए यहां पर ए लिख दिया और फिर सब घटाना सब्ट्रैक्शन वाले सॉल्व कर देना क्वेश्चन अभी, तो माइनस का लगाएंगे ओके, फिर माइनस बी लिखा हुआ तो माइनस बी लिख देंगे। ओके अब उस पर देखिए a माइनस बी हो गया तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी आंसर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसे ब्रैकेट में लिख दिया गया। ओके नोट डाउन कर लीजिए।
से ए ऐसे ही एल जड़ बना है, ये क्या है बीज गणित है ना। देखिए एडिशन लिखा है फलन तो है ना, इसे चार जम पे होते हैं एलजेब्रा के, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ओके तो अब हम लोग अभी एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये एडिशन के रूल्स हैं। मान लो कि अगर आप रूल्स समझ में आ गए आपको तो आप क्वेश्चन कोई भी कैसा भी आ जाए घुमा फिरा के, कोई भी क्वेश्चन किसी टॉपिक से आप क्वेश्चन आ जाए, ये ऑब्जेक्ट आ जाए कोई क्वेश्चन का, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के एलजेब्रा के रूल समझ लिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ तो वहां पर कोई नंबर आएगा, संख्या आएगा। यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ वहां पर भी कोई नंबर आएगा, तो यही नंबर से क्वेश्चन बनते हो, इसी नंबर के अनुसार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखिए नंबर फर्स्ट लिया था मैंने एडिशन, तो जी हो गया एडिशन मतलब जोड़ना। ओके अब जोड़ना लिया था ना फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रूल में है बी को ए के साथ जोड़ने पर, बी को ए के साथ जोड़ने पर क्या जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में मान लिया ए कितना है फाइव है और बी कितना है टू है, तो फाइव माइनस टू करेंगे तो थ्री आ गया ना, तो थ्री ब्रैकेट में से लिखा गया क्योंकि वो सेपरेट है, क्या है वो सेपरेट है, थ्री को अपन लोग वन और टू तो लिख नहीं सकते ना, सेपरेट हो गया है वो, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा गया है। अब सेकेंड रूल्स है क्या है, सेकेंड रूल्स है माइनस बी को ए के साथ जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए ए को हमेशा पहले लिखते हैं, ओके तो ए लिखा है, अब ए के को माइनस बी से जोड़ने पर है ना, तो ए प्लस माइनस बी कर दिया, माइनस बी है ना तो ए प्लस में है, तो ए लिखा पहले है माइनस, ए लिखा फिर प्लस लिखा फिर माइनस बी, हमने बीच में प्लस नहीं लिखा, हमने बीच में प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैं एडिशन वाला टॉपिक सॉल्व कर रहा हूँ। कौन सा टॉपिक सॉल्व कर रहा हूँ, एडिशन वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए यहाँ पर प्लस में है और बी यहाँ माइनस में है, इसलिए यहाँ पर ए प्लस माइनस बी लिया गया है। अब समझिए जी हो गई है लेफ्ट हैंड वाली बात हो गई है, अब इक्वल टू राइट हैंड वाली बात देखिए, यहाँ पर ए पॉजिटिव है ना, ए प्लस में है तो ए सेफ प्लस में है, ओके अब प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, आपको रूल्स पता होगा, अगर कोई संख्या प्लस में है, संख्या प्लस में है और ये संख्या प्लस में है तो प्लस प्लस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई संख्या प्लस में है और कोई संख्या माइनस में है तो प्लस माइनस हो के माइनस हो जाता है, और कोई संख्या माइनस में कोई संख्या प्लस में है तो प्लस माइनस प्लस होके माइनस हो जाता है, कोई संख्या माइनस में हो संख्या माइनस में हो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है। देखिए रूल्स में चार रूल्स हैं, चार टॉपिक वाले रूल्स हैं छोटे छोटे, लेकिन चारों में देखिए दो में प्लस है दो में माइनस है, तो बराबर का हिस्सा है ना, ना प्लस बराबर बड़ा है ना माइनस बड़ा है, सब बराबर है ना। देखिए प्लस प्लस होके प्लस होता है और प्लस माइनस होके माइनस होता है, माइनस प्लस होके माइनस होता है और माइनस माइनस होके प्लस होता है, ओके ध्यान रखना। अब इन टॉपिक को समझते हैं, पर लो थर्ड नंबर को एडिशन वाला टॉपिक है, इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं। देखिए माइनस बी को माइनस ए के साथ जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बताइए। देखिए अब यहाँ पर देखिए माइनस बी भी है और माइनस ए भी है, ओके तो देखिए माइनस ए प्लस माइनस बी क्या बन जाएगा, बीच में प्लस इसलिए आया क्योंकि अपन लोग भी एडिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके अब देखिए माइनस ए और प्लस माइनस बी लिखा है ना, तो माइनस ए जो वो तो सेपरेट रहेगा क्योंकि माइनस ए ना अब वहां पर कोई साइन आगे साइन है नहीं, सिर्फ वो माइनस साइन ए है तो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस होके मैंने क्या बताया था, सभी प्लस और माइनस होके माइनस हो जाएगा, बताया था मैं रूल, तो प्लस माइनस होके माइनस हो गया ना, माइनस आ गया यहाँ पर और फिर बी लिखा है तो फिर बी लिख दिया ना, क्लियर हो गया ना। अब देखिए
इसी एडिशन के टॉपिक फोर सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए बी को माइनस ए के साथ जोड़ने पर, बी को माइनस ए के साथ जोड़ने पर हमने क्या कहा था, सबसे पहले अपन लोग ए लिखेंगे। अब ए यहाँ पर क्या माइनस में है और बी प्लस में है, तो अपन लोग पहले माइनस ए को लिखेंगे, माइनस ए लिख दिया। अब क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने अपन लोग एड से माइनस क्वेश्चन सॉल्व करने से बीच में प्लस का साइन आ गया। अब बी यहाँ पर प्लस में है तो बी यहाँ पर आ गया इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड में ट्रिक क्या हो गई, मतलब रूल क्या बन गया है कि माइनस बी प्लस सॉरी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस ए रखा है उसके माइनस के ए के आगे कोई साइन तो है नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस ए को माइनस ए सेपरेट लिख देंगे, मतलब लिख दिया यहाँ पर। अब प्लस बी है और बी के साथ ना कोई नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो क्लियर है कि बी के साथ प्लस साइन है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस हो गया, क्या बन गया था प्लस, प्लस आ जाएगा तो प्लस आ गया, राइट, प्लस प्लस हो गया प्लस आ गया और प्लस साइन ये और बी के साथ प्लस साइन है, नेगेटिव साइन जो है नहीं प्लस साइन है ना, तो प्लस प्लस हो गया प्लस आ गया ना, फिर बी लिख दिया आ गया। ओके, ऐसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ हम अब हम शुरू करते हैं सबट्रेट वाला टॉपिक, कौन सा टॉपिक, सबट्रेट वाला, तो आप लोग इसमें नोट डाउन कर लीजिए। सबसे में देखिए सबसे में क्या हो गया, घटाना पहला पॉइंट टॉप पॉइंट है ना, पहला पॉइंट बी को ए के साथ घटाने पर क्या आ गया, जहां फिर ए माइनस बी इक्वल टू, अब देखिए ए माइनस बी करना है ना, ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पे ले सकते हैं कि मान लो ए क्या मान लिया, यहाँ पर फाइव मान लिया है, क्या मान लिया है फाइव, फाइव माइनस टू तो थ्री आ जाएगा, यहाँ सबसे यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो हमें प्लस करना है, यहाँ पर माइनस करना ध्यान रखना। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, माइनस बी को ए के साथ घटाने पर, माइनस बी को ए के साथ घटाने पर, तो देखिए ए माइनस और माइनस बी, ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए, ए रख दिया है और माइनस माइनस और क्या हो गया प्लस हो गया और प्लस बी आ गया। ओके, तो एग्जाम्पल थर्ड देखिए, माइनस बी को माइनस ए के साथ घटाने पर, माइनस बी को माइनस ए के साथ घटाने पर क्या एग्जांपल जाएगा, देखिए माइनस बी आ गया है माइनस ए आ गया है, देखिए माइनस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू, माइनस ए सेपरेट है ना तो माइनस ए लिख देंगे, फिर अब देखिए प्लस और माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो के माइनस माइनस बी। ओके, देखिए थर्ड रूल में देखिए, माइनस बी को माइनस ए के साथ घटाने पर क्या गया, माइनस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ओके, एक अब हमने एडिशन के रूल समझा दिए हैं और सबट्रैक्शन के रूल समझा दिए हैं, राइट, और अब अपन उस पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के रूल।
अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के रूल्स यानी कि गुणा के रूल्स पढ़ेंगे। अब देखिए इनमें क्या करेंगे अपन लोग, सेम प्रोसेस सबके रूल सेम रहेंगे, सबके रूल्स क्या रहेंगे सेम। बी को ए के साथ, बी को ए के साथ गुणा करने पर क्या जाएगा, बी को ए के साथ गुणा करने पर क्या आ गया। आप देखिए यहाँ पर मान लिया अपन ने ए आ गया है, क्या मान लिया ए और गुणा देखा है ना, मल्टीप्लाई बी, ए गुणा बी करेंगे तो क्या जाएगा, ए गुणा बी का अंतर जो भी होगा वो सेपरेट में आएगा, मतलब कि थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री मल्टीप्लाई टू करेंगे जो सिक्स आएगा ना वो सिक्स को सेपरेट होगा, अलग तो लिखेंगे नहीं, सिक्स को टू इंटू थ्री थ्री तो लिखेंगे नहीं या थ्री इंटू टू लिखेंगे नहीं, सेपरेट लिखेंगे, सिक्स आएगा ना इसलिए उसे ब्रैकेट में लिखा गया है। ओके अब इसी प्रकार से अपन लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, माइनस बी को ए के साथ, माइनस बी को ए के साथ गुणा करने पर, माइनस बी को ए के साथ क्या करने पर, गुणा करने पर। अब देखिए ए मल्टीप्लाई माइनस बी क्या आएगा अंदर बताइए, मतलब कि यहाँ देखिए ए को मान लिया मैंने थ्री मान लिया, बी को मान लिया टू मान लिया, लेकिन यहाँ पर माइनस बी है तो बी इक्वल टू है तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन है ना, तो थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू, अब थ्री और मल्टीप्लाई टू तो सिक्स हो गया, माइनस वन है ना तो इसलिए आगे माइनस वन आ जाएगा। ओके देखिए यहाँ पर क्या पर आएगा, जो भी आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई बी को गुणा करेंगे और जो फिर उसके बाद फिर आगे माइनस स्थान आएगा, इसलिए आगे माइनस स्थान लगाएंगे, कैसे आंसर आएगा। ओके ध्यान रखना। अब देखिए रूल्स नंबर थर्ड, रूल्स नंबर थर्ड में लिखा हुआ है माइनस बी को माइनस ए के साथ गुणा करने पर, माइनस बी को माइनस ए के साथ गुणा करने पर आपको इसमें बताना है, इसमें देखिए आप देखिए माइनस ए गुणा माइनस बी लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस ए को मान लिया मैंने थ्री और माइनस ए इक्वल टू मैं मान लिया मैंने थ्री और b इक्वल टू मान लिया मैंने टू, अब दोनों a के साथ भी माइनस साइन है b के साथ भी माइनस साइन है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये आपको पता है ना माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गए और थ्री मल्टीप्लाई टू कर देंगे तो सिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा a मल्टीप्लाई b सेपरेट में। ओके मतलब दो दो ब्रैकेट लगा देंगे। ओके अब इसी प्रकार से रूल्स नंबर फोर्थ में लेंगे अपन लोग, फोर्थ में देखिए अब फोर्थ में अपन को ये करना है कि बी को माइनस ए के साथ, बी को माइनस ए के साथ गुणा करने पर, गुणा करने पर मतलब बी को माइनस ए के साथ क्या करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए बी को माइनस ए के साथ गुणा करने पर तो देखिए माइनस ए और फिर मल्टीप्लाई फिर बी आ जाएगा। अब देखिए
माइनस ए तो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है माइनस ए, माइनस और बी प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस साइन होगा, और ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी माइनस साइन। सेकेंड और फोर्थ सेम है, देखिए सेकेंड फोर्थ क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो यहाँ फोर्थ में ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव है, आंसर सेम आएंगे ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज आगे माइनस साइन। ओके अब फोर्थ नंबर है डिवाइड वाला, अब अपन लोग डिवाइड वाले टॉपिक को समझेंगे। डिवाइड ड्रामिंग पहला नंबर पॉइंट है बी को ए के साथ भाग देने पर, मतलब बी को ए के साथ भाग देने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड के तो समझा रहा हूं अभी मैं, बी को ए के साथ भाग देने पर हो जाएगा। अब देखिए ए को पहले लिखेंगे ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू, मान लिया मैंने ए इक्वल टू सिक्स है, क्या मान लिया पर मैंने ए इक्वल टू सिक्स और बी इक्वल टू, मान लिया मैंने यहाँ पर टू, ए इक्वल टू सिक्स और बी इक्वल टू टू मान लिया। अब अपन लोग सिक्स का डिवाइड, सिक्स में डिवाइड टू कर देंगे, सिक्स में डिवाइड टू कर देंगे कितना जाएगा थ्री, तो यानी कि थ्री आया तो थ्री सेपरेट है ना। अब देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे ए डिवाइड बाय बी, यहाँ पर सेपरेट हो उसी प्रकार यहाँ से लिखते हैं। ओके अब देखिए आगे रूल नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है माइनस बी को ए के साथ, माइनस बी को ए के साथ घट भाग देने पर क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाय माइनस बी। अब यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लो सिक्स डिवाइड बाय माइनस टू, सिक्स डिवाइड बाय माइनस टू, यहाँ पर सिक्स हो गया ए, मतलब ए इक्वल टू सिक्स और बी इक्वल टू टू, तो सिक्स डिवाइड बाय टू, अब टू यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, टू यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब टू के आगे माइनस साइन है। ओके अब देखिए सिक्स डिवाइड बाय माइनस टू, तो सिक्स का डिवाइड सिक्स में टू का डिवाइड देंगे तो थ्री आएगा, साइन माइनस का है इसलिए आगे माइनस साइन लग जाएगा। अब देखिए सेपरेट आएगा तो सेपरेट हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी लिख सकते हैं, तो आगे माइनस साइन लग गया तो आगे अपन लोग माइनस साइन लगा देंगे। ओके ध्यान रखना है, तो इसी प्रकार से अपन रूल्स थर्ड सॉल्व करेंगे। माइनस बी को माइनस ए के साथ, माइनस बी को माइनस ए के साथ भाग देने पर भाग देने पर क्या हो गया, माइनस बी को माइनस ए के साथ भाग देने पर, तो अपन लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, अब अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए डिवाइड बाय माइनस बी लिखेंगे,
लिखेंगे ना, अब देखिए माइनस ए इक्वल टू सिक्स है और बी इक्वल टू टू है, राइट। माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर भी माइनस है और डेनोमेटर भी माइनस है। न्यूमरेटर को हिंदी बोलते हैं अंश और डेनोमेटर को हिंदी बोलते हैं हर, यानी कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डेनोमेटर भी नेगेटिव है, यानी कि माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए ऊपर सिक्स से नीचे टू है, अब सिक्स से टू को डिवाइड देंगे थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी सेपरेट प्लस का रहेगा, ए अपॉन बी प्लस का रहेगा। ओके बच्चे, ये ट्रिक है जो आपको समझनी है, इन ट्रिकों को अगर आप समझ जाओगे तो 100% आप है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको सिंपल है कि आपको इन ट्रिकों को समझना है। तो अब डिवाइड का रूल समझ खोल देखिए, अब देखिए सेकंड सेम है ना, सेकंड फोर सेम कहा था मैंने, देखिए इसमें भी सेम थे, इसमें देखिए सेकंड में था माइनस बी नेगेटिव था, अब बी नेगेटिव था, अब फोर में ए नेगेटिव हो जाएगा, देखिए बी को माइनस ए के साथ भाग देने पर, बी को माइनस ए के साथ भाग देने पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू ए इक्वल टू सिक्स और बी इक्वल टू टू, क्लियर है। अब देखिए माइनस सिक्स अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू थ्री आ जाएगा और साइन माइनस का तो आगे माइनस कर जाएगा, तो यानी कि माइनस थ्री आ गए, माइनस थ्री आ गए ना। अब यहाँ पर ए अपॉन बी में अपन लोग बी अपॉन ए डिवाइड बाय बी में अपन लोग ले सकते हैं, यहाँ पर ए अपॉन बी ले सकते हैं और आगे माइनस साइन है। ओके तो इसी प्रकार से देखिए आप लोग दूसरे को सॉल्व कर सकती हो, एलजेब्रा के कोई भी कॉन्सेप्ट लेवल पे आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर क्वेश्चन में संख्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बी लिखा है वहाँ पर संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन सेम रहेंगे। जिस तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके पेपर में आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमने अभी बताए आपको वो आपको सॉल्व करने होंगे। ये कॉन्सेप्ट लेवल में मतलब बन बढ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आपको इस एलजेब्रा पर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स पे लिखिए, नेक्स्ट डे हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।